असलकुम गायज़ uh, आपकी फ़्रेंड एनी uh, एक बार फिर से uh, आज मैं अपनी जो एक वीडियो लेकर आई हूँ uh, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी uh, अपनी स्किन केयर रूटीन और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट आई यूजली यूज़ लाइक मॉर्निंग और नाइट टाइम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और इतनी ज़्यादा कोई बड़ी ले रूटीन uh, नहीं है मेरी तो सबसे पहले <coughs> जो मॉर्निंग रूटीन का लाइक like, जो सबसे मेन स्टेप है वो है आपका फेस वॉश राइट आपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश करना है और कोई अच्छा यू नो लाइक फेस वॉश यूज़ करना है सो आई यूजली यूज़ दिस वन दिस इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेशल वॉश तो आई थिंक मुझे ये बहुत पसंद है मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और इट्स बिन लाइक ईयर्स नाव Uh, मैंने स्विच नहीं किया कोई और आई हैव बीन यूजिंग दिस टी थ्री फेस वॉश एंड आई एम लिटरली लाइक अपसेस्ड विद दिस वन सो आई थिंक आई एम स्टिल गोना कंटिन्यू यूजिंग दिस वन तो फेस वॉश यूज़ करने के बाद दैन uh, जो मैं स्टेप करती हूँ अपना uh, वो होता है मेरा टोनर आई ऑलमोस्ट अप्लाई लाइक डेली कभी कभी हो जाता है लाइक like, uh, मैं भूल जाती हूँ uh, मैं यूज़ करना <coughs> बट मुझे होता है कि लाइक आई डू वॉन्ट आई यूज़ इट तो मैं ऑलमोस्ट ये तकरीबन एक साल से ये वाला यूज़ कर रही हूँ थेयर का फेशियल टोनर डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है आ, और आपको कहना चाहिए लाइक डिफरेंट सेंस में आता है इट कम्स लाइक इन आई एम फ्री श्योर लाइक क्यूकम्बर फ्लेवर में आता है रोज़ uh, फ्लेवर में है मेरे पास रोज़ है लेवेंडर uh, भी अवेलेबल है और अनसेंटेड भी जिन लोगों को सेंट्स नहीं पसंद वो अनसेंटेड भी ले सकते हैं और टू बी ऑनेस्ट लाइक ये बहुत अच्छा टोनर है मैंने uh, uh, मैं कौन सा यूज़ करती थी सॉरी um, मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो ये वाला मैंने टू बी ऑनेस्ट लाइक व्लागर्स को देखा था यूज़ करते हुए एंड दे सेट के लाइक like, बहुत अच्छा है तो रियली लाइक एट तो ये जो है अवेलेबल <coughs> uh, है आलमोस्ट तकरीब सारी प्लेस पे लाइक uh, like, अल्टा पे भी अवेलेबल है टारगेट uh, पर अवेलेबल है um, आई एम ट्रेडिशनल श्योर वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है बाकी यू नो लाइक ग्रोसरी प्लेसेस पे जहाँ पे जिनके ब्यूटी सेक्शन होते हैं उधर भी अवेलेबल है मुझे याद नहीं टू बी ऑनेस्ट मैंने ये कहाँ से लिया था बट आई एफ बिन रियली लाइकिंग इट ये आपको मिलता है ट्वेल्व आंथ और काफ़ी चल जाती है I think ये बॉटल आई थिंक ये मेरी सेकेंड बॉटल है बट ये काफ़ी टाइम चल जाती है और आपको थोड़ा चाहिए होता है uh, जैसे आपने कॉटन पैड पे या काटन बट पर नॉट कॉटन बट आई मीन जो कॉटन राउंड बॉल्स होती हैं उस पर थोड़ा सा डाल के एंड देन यू जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस तो उससे थोड़ी यू नो लाइक साफ भी हो जाती है स्किन और स्किन uh, <coughs> को जो है ना वो काफ़ी शाइन uh, भी मिल जाती है तो ये मैं करती हूँ उसके बाद uh, जो एक्चुअली है ये मैं स्टेप ये मेरी फुल uh, बॉटल uh, नहीं है ये वाली जो चीज़ है ये है एक्चुअली सीरम है ठीक है ये मैंने लिया था सफोरा से अपने पॉइंट्स यूज़ करके आई वॉन्ट टू यूज सी के लाइक ये लाइक इसका प्रोडक्ट कैसा है और ये लगती कैसी है है ना तो ये सब मैंने इसीलिए लिया था वरना मैं ये सीरम डेली यूज़ नहीं करती हूँ मुझे सिर्फ ट्राई करने था तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा ये आ, बट अगर जिन लोगों को रेट पसंद है और वो रेट यूथ सीरम आप सीरम अप्लाई करना चाहते हैं स्किन पर देखें डेफिनेटली ट्राई इट सेफोरा पे अवेलेबल है और अल्टा पे भी अवेलेबल है ये वन हाउस की बॉटल मिलती है एंड आई एम प्री श्योर इट्स अब अबाउट लाइक नाइंटी प्लस डॉलर और समथिंग ठीक है तो आई एम नाट कन स्पेंड दैट मच मनी बट मैं ये यूज़ करके देखूँगी अगर मुझे स्टिल थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा दैन मे बी आई वो थिंक अबाउट इट बट फिलहाल ये मैंने सिक्स सेवन टाइम्स यूज़ की है एंड एम नार्बिक फैन तो और ये आपको सिरम डेली अप्लाई करना भी नहीं है लाइक इट्स वेरी हार्श तो मैं इसलिए डर के ही अप्लाई करती हूँ बट मैंने अभी तीन चार दफ़ा यूज़ किया जस्ट डिट मे कैनी डिफरेंस तो मैंने यू नो आई रिंक केयर बार एन लेकिन मैंने एक्चुअली आई रिसेंटली परचेज दिस गिफ्ट सेट ऑन सफोरा तो इसमें ये है इनस फ्री आजकल काफ़ी ये ब्रांड चल रहा है, काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं तो मैंने ये सीरम लिया था इनका मॉइस्चराइज़र लिया था और उसमें क्या कहते हैं उसका आ, क्ले मास्क भी था इट वॉज़ अ गिफ्ट सेट लाइक एंड इट आई डोंट नो हाउ मच वज लाइक सेल लगी हुई थी तो मैंने लिया था और मुझे लेना भी था ये <coughs> तो ये बॉटल फुल साइज नहीं है ये इसमें स्मॉल साइज ही है तो मैं इसको यूज़ करके और फिर उसके बाद देखूँगी आई एम होपिंग के लाइक like, ये अच्छा रहे क्योंकि इसमें भी देखें ग्रीन टी सीड्स हैं तो ये सीरम अब मैं अप्लाई करके देखूंगी एंड आई यू नो गाइस कि ये सीरम कैसा है और uh, कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है uh, कैसा रहेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से अभी अर <coughs> अगर अभी आपको ये नज़र आएगा सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो लाइक रनी जेल टाइप कंसिस्टेंसी है इसकी ठीक है <coughs> तो ये सीरम अप्लाई करने के बाद ये भी मैं सीरम डेली नहीं लगाऊंगी सिर्फ नाइट टाइम ही लगाऊंगी और एटलीस्ट लाइक थ्री टाइम्स अ वीक मैं करूंगी उसके बाद जो है मैं आती हूँ फिर मॉइस्चराइजर पे मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करके नेक पे अप्लाई करके आई एम गुड टू गो आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है अच्छे से और कोई भी अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है आपने भाई कोई हाई एंड ब्रांड्स पे जाना है आ, मुझे एक्चुअली ओले का ये वाला काफ़ी मैं एक्चुअली बहुत सारे यूज़ कर रही थी मैंने विक्टोरिया सीक्रेट के भी यूज़ किए हुए हैं और वही कर रही थी फिर उसके बाद आई चेंज टू आई थिंक डव और नीविया फिर मुझे ये एक्चुअली मैं मार्शल्स पे गई हुई थी तो मुझे वहाँ पे ये मिली मैं कहा ओ लेट्स जस्ट ट्राई इट राइट मैंने इसका जो आ, नाइट वाला यूज़ किया था ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बट दिस डे क्रीम इज़ अमेजिंग तो ये मैं बहुत टाइम से अब यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली लाइकिंग एड तो डे टाइम में ये जब मैं सुबह उठ के अपनी स्किन केयर जो मेरी रूटीन है वो करती हूँ और उसके बाद फिर ये मॉइस्चराइज़र जरूर लगाती हूँ <coughs> और अगर जब रात का टाइम होता है तो आई एम बिन यूज आई बिन यूजिंग दिस न्यूट्रोडी न डीप मॉइस्चराइजर बट आई थिंक इसको फिनिश करने के बाद आई थिंक आई एम नॉ गर्चेज अगेन मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई है आई रोन नो इट्स जस्ट लाइक वेरी सिली क्योनी टाइप अगर आप इसका टेक्स्चर देखें तो आई रोन नो ये ऐसे मुझे इसका बहुत सिली क्योनी सा लगता है तो इसी लिए जो है ये मुझे पसंद नहीं आई इतनी लेकिन मे बी सब लोगों को पसंद हो आई थिंक मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन मुझे कोई रिएक्शन भी इसका नहीं हुआ तो इट्स जस्ट इट्स जस्ट ओके इट्स जस्ट टू बी ऑनेस्ट इट्स ओके अच्छा जब मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक्चुअली <coughs> जो मेरा एक और स्टेप होता है वो मैं होता है मेरी आई क्रीम एक आई क्रीम लाइक आपको अच्छी सी आई क्रीम आप श्योर कि आप सब यूज़ करते होंगे और करनी भी चाहिए uh, मुझे ये वाली uh, की ने बताया था फर्स्ट एड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स लाइक दे आर वेरी नाइस एंड स्पेशली लाइक इनकी जो आई क्रीम है बहुत अच्छी है तो <coughs> मैं कहू कि वाई नॉट क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं और वो काफ़ी डीप थे तो टू बी ऑनेस्ट एम नॉट लाइंग मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ मुझे अपनी जो डार्क सर्कल्स हैं उसमें जो है ना काफ़ी डिफरेंस मुझे नज़र आया लाइक वैसे डीपअप से नहीं है अब और कलर भी जो है वो थोड़ा सा जैसे यू नो लाइक मेरी जो नॉर्मल फेसेस स्किन है उससे काफ़ी मिलने लगे लाइक वरना पहले बहुत सेपरेट से लगते थे लाइक आपको नज़र आता था कि बहुत डार्क सर्कल्स हैं राइट लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आ, तो फिर आना मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आया तो मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी और मेरी ऑलमोस्ट ये वाली तो ख़त्म होने वाली है तो ये ख़त्म होती है फिर उसके बाद मैं दूसरी अपनी परचेज करके तो वो भी बैकअप रखूँगी बट एम गोना कीप यूजिंग माई आई क्रीम आई क्रीम के बाद आ, लिप मास्क भी बहुत ज़रूरी है आ, जैसे लिप्स आपके ड्राई हो जाते हैं क्रस्टी हो जाते हैं तो हमेशा कोई अच्छा लिप मास्क जो है वो आप यूज़ में रखें मैं मुझे ये भी एक सैम्पल तो ही टू बी ऑनेस्ट मिला था आ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ उस वक्त से आई थिंक मेरी बर्थडे टाइम से तो ऑलमोस्ट लाइक सेवन एट मंथ से ज़्यादा हो गया इसको और एक्चुअली नहीं ये मैं एक्चुअली मुझे लास्ट बर्थडे पे सफोरा से मिला था यस आई रिमेंबर नाउ तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ और ये भी काफ़ी अच्छा है लिप मास्क मेरे पास और भी हैं जैसे मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक होम मेड बना के लिया था मुझे वो भी बहुत पसंद है और जैसे वैसलिन है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स उनका जो लिप प्रोडक्ट है बट uh, ये भी ऑन एंड ऑफ में ये वाला भी यूज मोस्टली मैं यही यूज़ कर रही हूँ अब तो काफ़ी अच्छा है मॉइस्चराइजिंग है और uh, लिप्स जो है मेरे वो ड्राई नहीं रहते हैं सबसे लास्ट स्टेप जो है मेरा वो है मेरा ये वाला स्टेप uh, फेशियल स्प्रे काफ़ी अच्छा है हाइड्रेटिंग है और स्किन को काफ़ी यू नो लाइक ड्यू रखता है तो अच्छा लगता है मुझे ये वाला तो बिन आई थिंक कीप यूजिंग इट और ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाला है तो आफ बिन यूजिंग दिस फॉर मंथ्स ना तो आप भी मुझे बताएं अपनी स्किन केयर में आप लोग क्या रखते हैं क्या यूज़ करते हैं कौन सा स्टेप है जो मुझे एक्स्ट्रा ऐड एक करना चाहिए या इसमें से निकाल देना चाहिए uh, मुझे ज़रूर बताएं और कौन से ब्रांड्स आप लोग यूज़ करते हैं वो भी शेयर करें uh, कौन से अच्छे हैं कौन से आप लोगों ने यूज़ किया और वो आप लोगों को uh, अच्छे नहीं लगे या उसे रिएक्शन हुआ है तो टू बी ऑनर्स मुझे इन प्रोडक्ट से फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो मेरी जो सबसे बेस्ट जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है मेरी ये आई क्रीम <coughs> और मेरा ये वाला मॉइस्चराइज़र और ऑफ कोर्स माय फेस वॉश तो प्लीज़ में से ज़रूर शेयर कीजिएगा uh, अपनी रूटीन मुझे ज़रूर बताइएगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली कुछ और प्रोडक्ट्स ली हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हैं उसके मैं आपको ज़रूर रिव्यू वो भी दूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़